स्वागत है दोस्तों आपका सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हम एमएस वर्ड के इंसर्ट मेनू के कुछ पार्ट्स को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है कवर पेज बनाना। कैसे बनाते हैं कवर पेज? जो होता है वो रेडीमेड पेज मिलता है हमें यहाँ पे, जो ऑलरेडी फॉर्मेटेड होता है। फॉर्मेटेड मतलब क्या? जिसमें कलर वगैरह हो, सेट हो पूरा कलर, ठीक है ना। टेक्स्ट फॉर्मेटेड हो, टेक्स्ट स्टाइल फॉर्मेटेड हो, तो कोई भी इसमें से आप इंसर्ट कर लो। अगर आप इंसर्ट भी कर सकते हो, जैसे ये आपने इंसर्ट कर लिया, आपको इसका लुक दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप? अपना कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस भी कर सकते हो, या ऐसा ही आप लुक बना भी सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई रजिस्टर है या कोई पेज बनाना चाहते हो खुद के लिए तो बना सकते हो। जैसे बनाने का तरीका क्या होगा, आप शेप का इस्तेमाल करोगे। देखो यहाँ पर शेप है, शेप ले लो अगर आपको कोई जैसा भी चाहिए। फॉर्मेट मिलता है, जब हम शेप ड्रॉ करते हैं ना तो एक मेनू आता है, इसे कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे कलर होते हैं, हमें जो कलर चाहिए हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ और चीज़ें समझो, यहाँ से इसको और सेट कर सकते हो, ठीक है। कलर सेट कर लो, इसके बाद कुछ और सेट करना चाहते हो सेट कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी पेज अपना खुद के लिए ड्रा कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लैंक पेज करो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे पेज ब्रेक की बात हो रही है। पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि दो, अगर कोई पैराग्राफ हमारे पास है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उनको ब्रेक कर देना। कंट्रोल कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करोगे ना तो दो पेज में डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये जो पैराग्राफ था, एक पैराग्राफ बन गया इधर और दूसरा चला गया नीचे। कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करके पेज ब्रेक कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मतलब क्या? टेबल। टेबल कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्लिक किया, ये रहा टेबल। और टेबल में क्या कर सकते हैं हम? देखो इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके आप इसका शेडिंग भी कर सकते हो। इससे शेडिंग है ये, ओके। शेडिंग के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, कुछ बॉर्डर एक्टिवेट करना चाहते हो, यहाँ पे लाइनिंग वगैरह है, लाइनिंग भी बना सकते हो। कलर वगैरह है, कलर भी इस्तेमाल करो। देखो इसे लाइन ले सकते हो, रेड कलर, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कुछ 3D कलर, कुछ बॉक्स जैसा ड्रॉ करो, कलर सेट कर लो। अगर रेड चाहिए रेड ले लो। इस तरीके से हम काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं अपने पेज को। और इसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसा कुछ काम करना चाहते हो पैराग्राफ वगैरह का या डिज़ाइनिंग पेज का, तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इससे और भी खूबसूरत बनेगा आपका पेज कवर, ठीक है। अब बात करते हैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट करने के लिए। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेट ले लो। इसके बाद क्या होगा, टेबल में दूसरा ऑप्शन होगा इंसर्ट टेबल। बाय डिफॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? देखो यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट पर क्लिक किया। अगर कोई काम करना है आपको, आपने काउंट कर लिया कितना कॉलम है कितना रो है, तो इनका इस्तेमाल क्या करते हैं हम? ऑटो फिट करते हैं, ठीक है। या अगर मान लो आपको चाहिए 10 कॉलम और 5 रो चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 ले लोगे और ओके करोगे। देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। अब जैसे डेटा हम लिखते हैं ना, तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे हमने लिख दिया सीरियल नंबर, ठीक है, स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर, DOB, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना मैटर लिखेंगे उतना कंटेंट ये इसका साइज बढ़ता रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ और चीज़ें। टेबल में एक और बहुत ही अच्छा वर्क है, जैसे क्या होते हैं क्विक टेबल। यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे कैलेंडर फॉर्मेट मिलता है हमें। क्यों मिलता है? हम अपना शेड्यूलिंग बना सकते हैं काम करने का। इसको हमने क्लिक किया, इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको ऑल बॉर्डर कर दो। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करो, आप चाहते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा कुछ बनाना तो बना सकते हो। इसको लेफ्ट कर दो, क्यों? यहाँ पे हम कुछ लिखने वाले हैं। हम लिख दिए यहाँ पे जनवरी 2019, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, अपना डेट वगैरह ले सेट कर सकते हैं। और मान लो कोई एसएससी बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो एक शेड्यूल आप बना सकते हो। ये आपके पास जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि लिख दिया आपने, आपको साइंस इतने टाइम में ख़त्म करना है, ठीक है, और ग्रामर इतने टाइम में ख़त्म करना है, तो ये सब आप बना करके बाकायदा इसको अपने स्टडी रूम में लगा सकते हो। इस पर क्लिक करो, इसको कॉपी कर लो। कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लो, चाहे जितना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या चीज़ है, और यहाँ पर हम बात करेंगे पिक्चर। पिक्चर क्या होता है, क्लिक करो। इससे हम क्या करेंगे, स्टोरेज डिवाइस से हम कोई पिक्चर मंगा सकते हैं अपने कंप्यूटर से, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर से एक पिक्चर मंगाते हैं, यहाँ पे पिक है। और इसमें क्या होगा, कोई एक पिक्चर मंगा लेते हैं हम, जैसे एक ये फूड है कोई। अब इसको क्या करना है, हमें 3D इमेज बनाना है थोड़ा अलग तरीके से।
जब उसको आप वो बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हो, बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पे पिक्चर का सेट भी कर सकते हो, देखो ये अलग टाइप बन जाएगा। और इसमें कुछ 3D वगैरह देना चाहते हो 3D वगैरह दे सकते हो, या कुछ ओवल टाइप बनाना चाहते हो बना सकते हो, देखो यहाँ कुछ अलग टाइप बन गया। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कलर के बारे में, बात हो रही है, देखो यहाँ कुछ और दे दो, आपको दिख रहा है कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही प्यारा सा इमेज बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो क्लिक करो, ठीक है, देखो ये नॉर्मल सा बन गया, ठीक है, कंट्रोल जेड करो वापस ले आओ। और यहाँ पे देखो ये अलग अलग कलर मिलेगा आपको, जो कलर सेट करना लगा दो, लाइटिंग वगैरह का सेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो अलग अलग, अगर ऐसा कुछ सेट करना है तो आप आर्टिस्ट कलर वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर क्रॉपिंग करनी है तो क्रॉपिंग में क्लिक करो, यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हो इमेज को, ठीक है, आपको इतना चाहिए, आपने ओके किया, इमेज बन गया, ठीक है। इसके तरीके से हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम पिक्चर भी लगा लेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम क्लिप आर्ट की, तो क्लिप आर्ट क्या होता है उसको समझ लेना। क्लिप आर्ट के माध्यम से क्या करेंगे हम कोई भी इमेज को ड्रॉ करेंगे, क्लिक किया हमने, एक टास्क पेन आएगा जिसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसे हमें रोज मंगाना है, गो किया, यहाँ पे ऑप्शन रोज मंगा दिया। अब इसको क्या करना है हमें, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अब समझना इसको ध्यान से। क्लिप आर्ट पे हम चेंजेस बहुत सारा कर सकते हैं, इसमें हमने राइट क्लिक किया और एडिट पिक्चर करेंगे, येस किया, अब देखो उसको इस पॉइंट को जो बैकग्राउंड पे क्लिक किया, डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे। और इसके अंदर हम कंट्रोल ए करेंगे, ऑल सेलेक्ट हो, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेट फील, ग्रेडियंट मंगाया, मोर ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट को साइड में रख लो, यहाँ लिखा है ग्रेडियंट पे चले जाओ। देखो यहाँ से बहुत सा प्यारा सा कलर बना सकते हैं हम, यहाँ हमने क्लिक किया, रेडियल कर दो, देखो यहाँ पे बन चुका है कलर। अगर आपको बीच में कोई चाहते हो कि रेड कलर हो बीच में, तो आप रेड कलर लगा दो, ठीक है, तो वैसा ही एकदम कलर मिलेगा प्यारा सा, ठीक है। अगर यहाँ पे चाहते हो कि कुछ पॉइंट्स अलग हो, येलो पॉइंट्स हो, तो येलो पॉइंट्स भी मिल सकता है, ठीक है, यानी बहुत ही प्यारा सा कलर बना सकते हो इस तरीके से। और क्लोज करो, अब देखो बार क्लिक कर दो, देखो बन चुका है। और अगर कुछ और भी चेंज करना चाहते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, आपको वापस जा करके फिर से वही काम करना पड़ेगा। और इसका अगर जो लीफ है ना, पत्नियाँ हैं, वो चेंज करना चाहते हो तो वो भी काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं शेप। शेप के माध्यम से हम कोई भी आकृति निर्माण कर सकते हैं, क्लिक किया, इसमें लाइनिंग है, देखो एक पेंसिल भी होता है सबसे बेहतरीन चीज़, और इससे क्या होगा, आप कोई भी शेप बना सकते हो, कोई प्रोडक्ट बनानी हो तो आप प्रोडक्ट भी बना सकते हो, इसको बोलते हैं फ्री फॉर्म, देखो इससे कुछ भी बना सकते हो, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सॉरी, जो फ्री फॉर्म होता है वो फ्री फॉर्म सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ये वाला देखो, इनका इस्तेमाल हमेशा करना। इससे देखो कुछ अगर आपको ड्राइंग करनी है तो इसे ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है, ये देखो ये कलर हो जाएगा। अगर हमें ऐसा कुछ पेज भी बनाना है तो इसको डबल क्लिक कर देंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कलर फिट कर देंगे, हो गया। अब इसको मूवमेंट देना चाहते हो ना, तो यहाँ पे लिखा है एडिट, एडिट पॉइंट्स, क्लिक करो, इसको सेट भी कर सकते हो अलग अलग तरीके से, बहुत ही खूबसूरत बना सकते हो। अगर आपके पास कोई पेज कवर बना रहे हो ना, तो पेज कवर में ये सब डिजाइनिंग कर सकते हो ढंग का, ये देखो बहुत ही प्यारा सा बन जाएगा कलर, ठीक है। एडिट पॉइंट से आप चाहे जैसा चाहो वैसा से डिजाइन कर सकते हो। और एक और चीज़ समझ लो, यहाँ पे शेप बनाना हो ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ये आपने इसको ड्रॉ किया, देखो ये एलो पॉइंट से क्या होता है, एक्सपेंड होता है और कम भी होता है। और इंसर्ट पे जाएंगे, शेप लिया, कुछ बेसिक फैक्ट जान लो, डबल ऐसे इसको ड्रॉ किया, अभी ये जो बाहर दिख रहा है ना, इसको सेंड टू बैक कर दो, यहाँ पे क्लिक किया, सेंड टू बैक, ये बैक साइड में चला जाएगा, ओके। और अब देखो ना ध्यान से, क्या करेंगे हम इन दोनों को एक साथ ग्रुप करना, ग्रुप भी कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, ग्रुप, इसको सेट कर लो, समझ में आया। और अब देखो कुछ और चीज़ें, इंसर्ट पे गए, ब्लैंक पेज लिया। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट का हम ग्राफिकल इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज़ हम अक्सर प्रेजेंटेशन बनाने के वक्त करते हैं। साइकिल यूज़ करेंगे, देखो अलग अलग टाइप का मिलेगा, जैसा काम करना है वैसा यूज़ करो, मतलब किसी भी किसी चीज़ को समझाना है तो आप ग्राफिकल उसका इस्तेमाल करो। जैसे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, जैव विविधता, कोई बंदा है किसी चीज़ पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर डिपेंड है, तो ऐसे कुछ मटेरियल बना सकते हैं। जैसे क्या, मान लो लैंड है, यानी भूमि है, भूमि पे क्या होता है, ग्रास उगता है ना, ग्रास, और ग्रास के लिए क्या चाहिए, वाटर,
ठीक है। और वाटर को कौन कौन यूज करता है, ठीक है ना, तो ह्यूमन, ठीक है। और ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन का पूरा लाइफ इस पे सेट है, यानी लीव कर सकते हो। एक इंसान है जो भूमि पे रहता है और ठीक है ना, घास होता है, घास में रिलेटेड क्या हो जाएगा, और घास भी रख सकते हो यहाँ पे, ग्रास हो गया और फूड, ठीक है ना, फूड रिलेटेड जो भी होगा। इसका साइकिल बता सकते हो कि एक इंसान है जो रहता है धरती पे, ठीक है, और भूमि पे रहता है, जो यानी जो अगर अपने जानवरों के लिए घास उगाता है और अपने लिए खाना भी, और इसके लिए पानी चाहिए, ठीक है ना, दोनों के लिए। इसका एक एक दूसरे के पूरक है, इस तरीके से बता सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप समझा सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे चार्ट की, चार्ट को मैंने पूरा पूरा क्लियर किया है, इसका अलग सेशन है, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद ये रहा लिंक, ठीक है, लिंक क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर लिंक, कंट्रोल केस हाइपर लिंक करेंगे, बुक मार्क बनाएंगे, क्रॉस रेफरेंस करेंगे, इसका सेशन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।